खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश में दूसरे राज्यों की तरह मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा, जिसमें शिशु की जन्म से लेकर कुछ समय बाद तक होने वाली सभी बीमारियां व बीमारियों का इलाज किया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को पहले मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नौकरी में प्रदेश के युवाओं का पहला हक है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग को वह बदल कर रख देंगे। पिछली सरकार को आपने 15 साल का मौका दिया, हमें कम से कम 15 महीने का मौका तो देकर देखिए, हम सब ठीक कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दस्तक अभियान प्रदेश में लागू करेंगे। स्वास्थ्य विभाग का प्रत्येक अधिकारी, यहां तक कि खुद स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट भी घर घर जाकर इस अभियान को जन अभियान बनाएंगे और पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। आप सबको मेरे से बेहतर पता है, देश के अंदर मेरे अन्नदाताओं की आत्महत्या का मध्य प्रदेश नंबर वन। सुन लो, हजारों किसानों को नोटिस, वारंट, बिजली को लेकर 15 वर्षों जिस व्यक्ति भाजपा ने राज किया, उन लोगों ने दिया, मैं उनसे प्रश्न पूछता हूं, काय को नोटिस दिया था? कई लोगों को हथकड़ी लगा दी, अन्नदाता थे, चोर तो नहीं थे, किसान मेरा अन्नदाता है। जब एक आंदोलन चल रहा था मंदसौर में, उनकी मांग थी किसानों की फसल का उचित दाम मिले, कर्ज माफ हो, बिजली के बिल माफ हो और जो खाद और बीज उपलब्ध हो, तो सरकार ने उन अन्नदाताओं को क्या दिया? एक किसान को नहीं, 6 किसानों को सीने में गोलियां से छन्नी कर दिया। आज जो अन्नदाताओं की बात कर रहे हैं, आज किसानों की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, इन 15 वर्षों में उन्होंने कहा था कि एक ट्रांसफार्मर जलता था तो 30 से 45 दिन लगते थे, ये सरकार में 2 दिन में ट्रांसफार्मर ठीक हो रहा है। बिजली कटौती समाप्त हो गई, बिजली वसूली स्थगित हो गई, बिजली का बिल ऑफ हो गया, जो 2 रुपए यूनिट था उसका 1 रुपए यूनिट कर दिया। ये बात भी तो बोलो आप मेरे से, बिजली भी तो हाफ हो गई ना। ये आपका भ्रम है, सबके मुंह से बोल रहा हूं। ये आप 2018 के आंकड़े ले लो, उस समय कितनी बिजली वितरण होती थी, आज कितनी हो रही, ये मैं आपके माध्यम मेरे से आपको पूरा निकाल मैं आपको दे रहा हूं। ये तो योजनाबद्ध तरीके से एक षड्यंत्र पूरे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। लेकिन सरकार आपकी, अधिकारी आपके हैं, तो क्या अधिकारियों पर लगाम नहीं लग पा रही? षड्यंत्र कैसे, विपक्ष कैसे कर सकता? जब एक व्यक्ति हमारे बहन को बोलेगा कि आप ऐसे वैसे हो, क्योंकि आप लोग भी तो एक मिनट कभी किसी कारण से लाइट से नहीं हेडलाइन आप इसको बना देते हो। मैं आपसे पूछता हूँ मेरे भाई, कि आप मध्य प्रदेश के चौथे स्तंभ हो, मुझे आपका भी सहयोग, आप चलो मेरे साथ, जो इतने ये चिल्ला रहे ना, मैं उनको पूछता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया था? पूर्व मुख्यमंत्री की सरकार ने, शिवराज सिंह जी ने दिया था ना। चलो मेरे साथ, उस बेटी को पढ़ने के लिए बैठने के लिए फर्नीचर था, जिस कमरे में पढ़ाई करती थी, अध्ययन करती थी, लाइट थी, पीने का पानी था, बाथरूम जाने के लिए शौचालय था। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने की बात कर रहे हो, सुविधा तो दो उसको। ये उदाहरण। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।